वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम शास्त्रों के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे कि हम में और भगवान में क्या डिफरेंस है। दिखने में हमारी तरह हैं भगवान, है ना, बिल्कुल हमारी तरह लग रहे हैं, नॉर्मल जैसे हम हैं, पर भगवान खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम में और भगवान में क्या डिफरेंस है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक 26 सातवें अध्याय का 26वां श्लोक। पीछे रिपीट कर सकते हैं, आसान है वैसे, कोई मुश्किल नहीं है। वेद अहम संतीतानि, वेद अहम संतीतानि, वर्तमानानि अर्जुना, वर्तमानानि च अर्जुना, भविष्यानि च भूतानि, भविष्यानि च भूतानि, मां तु वेद न कश्चन, मां तु वेद न कश्चन। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि समझ आ रही है बात सबको, नहीं अकेले इको कम कर रहे हैं। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं सभी जीवों को जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जी जानता। तो भगवान ने इसमें तीन वर्ड यूज़ किए हैं, कौन कौन से, समतीतानि, समतीतानि मतलब भूतकाल, वर्तमानानि वर्तमान को, और भविष्यानि भविष्य को, मतलब कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अगर हम अपनी लाइफ में देखें ना, तो हमारी लाइफ भी ऐसे तीन चीज़ों पे ही डिपेंड है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हम सबके लाइफ में कभी ना कभी कोई, मान लो पास्ट में ऐसी इवेंट हुई है, इंसिडेंट हुई है, मिस हैपनिंग हुई है, दुर्घटना, जिसको कभी हम याद करते हैं ना तो हमें दुख होता है, शोक। पास मतलब जो पीछे हो चुका, वो शोक होता है, उसको याद करते हैं जब, तो अब उस टाइम हमारा दिल करता है कि काश हमारे पास कोई टाइम मशीन होती तो हम उस हालात को ठीक कर लेते, है ना, हमारे साथ मिस हैपनिंग ना होती। और कब दुखी होते हैं, आज प्रेजेंट में, है ना। और फिर क्या सोचते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में डर जाते हैं हम सोच के। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो आप पिछले हफ्ते फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हो, जैसे आजकल लोग गए हुए हैं घूमने, फॉर एग्ज़ाम्पल छुट्टियाँ चल रही हैं, तो आपके घर पे क्या हुआ, जो आजकल हो रहा है, चोरी हो गई। मान लो पिछले संडे की बात है, ठीक है, हम घूमने गए हुए थे तो हमारे पीछे चोर आए और सारा घर खाली करके चले गए। तो अगले दिन हमें पता लगता है, मतलब पिछले संडे, तो मतलब मंडे अगला दिन जो प्रेजेंट था वर्तमान, तो हमें पता लगा कि हमारे घर चोरी हो गई है, तो हमें उसका क्या होता है, दुख, शोक, कब, प्रेजेंट में। तो हम क्या सोचते हैं, काश हम ना जाते घूमने। अब हमें पता तो नहीं होता वैसे तो, पर हम सोचते ही हैं कि काश मैं ना जाता। और फिर हम क्या सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में। अब फ्यूचर के बारे में सोच के डर जाते हैं कि आगे से हम
घर कभी खाली नहीं छोड़ के जाएंगे, होता ना ऐसे, है ना। तो हम सोचते हैं कि जब भी जाना होगा ना तो किसी न किसी को बता के जाएंगे, पहले किसी को ठहरा के जाएंगे अपने घर पे, या सीसी कैमरा लगा लेते हैं, अभी सॉल्यूशन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि पास मतलब शोक, प्रेजेंट मतलब मोह आज, और फ्यूचर मतलब टेंशन, है ना। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भगवान ने बोला क्यों ये श्लोक, कि भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में हो रहा है और आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ, जुवति क्या है। एक्चुअली अगर इससे पीछे वाले श्लोक जाए ना, दो तीन श्लोक पीछे जाएँ तो भगवान उसमें इससे ठीक पिछले श्लोक में ही बता रहे हैं कि सर्वस्य ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समेता, कि भगवान उसमें कह रहे हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। तो हम उसमें क्या कह रहे हैं, योग माया समेता, कि मैं अपने आप को माया से ढक लेता हूँ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे मन में डाउट ये आ जाता है कि अगर भगवान भी माया से प्रभावित होते हैं, रहने तो नहीं हरे कृष्णा। तो क्वेश्चन ये रही होता है हमारे मन में जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं ना, कि अगर भगवान भी माया से प्रभावित हो रहे हैं, हम भी माया से प्रभावित हो रहे हैं, फिर फ़ायदा ही क्या, फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ गया हमें। हम भी यही सोचते हैं, हमेशा सुनते हैं कि हम माया में हैं, माया में, और भगवान भी कह रहे हैं कि माया में है। तो इसको इस तरह से भी कुछ लोग सोचते हैं कि अब मान लो आप कोई पानी में डूब रहे हैं, आप उसको बचाने गए हो, तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो गीले होंगे ही होंगे, बच नहीं सकते। या दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि आपने सफाई की है, फॉर एग्जांपल हाथ से डस्ट है बहुत ज़्यादा, मैंने मान लो यहाँ पे डस्ट है, हाथ से सफाई की, तो ये नहीं हो सकता कि मेरे हाथ पे डस्ट ना लगे, मतलब मैं इफ़ेक्ट होऊंगा ही होऊंगा, है ना। तीसरा एग्जांपल ले सकते हो, मान लो आप कोयले की खान में गए हो, तो ये हो ही नहीं सकता, जितना मर्जी बचाने की कोशिश कर लो, अच्छा बिल्कुल थोड़ा सा दाग लग जाए तो दाग लगेगा ही लगेगा। तो इसी प्रकार जब हम ये सोचते हैं कि जब भगवान इस पृथ्वी पे आए हैं, क्योंकि जब 5,000 साल पहले जब भगवान इस पृथ्वी पे आए, तो ये पृथ्वी क्या है, भौतिक है, माया से घिरी हुई है ना, तो इसका मतलब भगवान भी माया से प्रभावित हुए होंगे। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम में और मुझ में यही डिफरेंस है, कि भगवान पहला बार यूज़ क्या करें, वेद अहम समतीता नहीं, कि मैं क्या जानता हूँ, भूतकाल को जानता हूँ, पास्ट टाइम को। अब यहाँ पे वर्ड भगवान ने यूज़ किया है समतीत, हमने अतीत वर्ड सबने सुना होगा, अतीत, अतीत में ऐसे था, अतीत मतलब पास्ट टाइम, है ना। पास्ट टाइम मतलब यहाँ पे ये है कि अतीत मतलब होता है कि कुछ टाइम पहले की बात है, फॉर एग्जांपल, है ना। तो जैसे मान लो मेरी लाइफ, मेरी एज है इस टाइम, मान लो 48 ईयर्स है, तो मैं इस टाइम को 48 ईयर्स का बता सकता हूँ पीछे में सब क्या क्या बीता इसी लाइफ की, तो वो हो गया अतीत। सम अतीत भगवान बताने कि पिछले करोड़ों जन्मों का मैं बता सकता हूँ तुम्हें, ये है नहीं, वो कोई नहीं, ये कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो इससे अच्छा ऐसे ही हो जाएगा, छोड़ नहीं, मैं थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया, ये कोई सुन नहीं पाएगा ना कथा में, पर ये तो कोई फायदा नहीं। तो मैं बता था कि अतीत मतलब कि इसी लाइफ का, है ना, जिस जैसे मान लो किसी की एज इस टाइम, किसी की एज मान लो 20 इयर्स है, किसी की एज 25 इयर्स है, किसी की एज 50 इयर्स है, किसी की एज 80 इयर्स है, तो उसी 80 इयर्स के बारे में बता सकता है, मतलब इसी जन्म का बता सकता है। पर भगवान बता रहे हैं कि तुम में और मुझ में यही डिफरेंस है, कि मैं सिर्फ इसी जन्म का नहीं, तुम्हारे करोड़ों जन्म का इतिहास बता सकता हूँ पीछे, ये भगवान।
अब हमें फिर डाउट होता है कि ये कैसे हो सकता है, पिछले करोड़ों जन्मों का ये कैसे हो सकता है। तो इसके हम शास्त्र में बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है 4.5 श्लोक में, गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बता रहे अर्जुन को कि जब भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैंने ये जो है ना गीता ज्ञान आज से लाखों वर्ष पहले सूर्यदेव को दे दिया था, तो अर्जुन डाउट कर सकता है ये कैसे हो सकता है कि भगवान हम दोनों एक ही एज के हैं, इस टाइम आप मेरे सामने खड़े हो, है ना, तो ये कैसे हो सकता है कि पहले भी आपने ये ज्ञान दिया होगा लाखों साल पहले। तो भगवान उसका क्या आंसर बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे पहले कई जन्म हो चुके हैं, पर फर्क ये है कि तुम मैं पिछले जन्म भूल गए हैं और मुझे याद है। तो पहला प्रूफ तो ये है, इसका बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखो भागवतम में 10th कैंटो में जब आता है भगवान के जन्म के बारे में, है ना, तो जब भगवान उनके सामने प्रेजेंट होते हैं देव की और वसुदेव के सामने, है ना, तो भगवान उनको बताते हैं कि तुमने जो है ना कई साल पहले पिछले जन्मों में तुम कौन थे, सुतपा और प्रश्न, सुतपा उनके पति का नाम, प्रश्न उनकी वाइफ, तो तुमने क्या किया था, तपस्या की थी, और कितने साल तपस्या की थी, 12,000 साल। तो तुमने बहुत तपस्या की, तुमने मांगा था कि मुझे ऐसा ही पुत्र चाहिए, तो पहला ये एग्जांपल हो गया। तो भगवान बताते कि मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए मैं खुद ही आया हूँ। तो भगवान उनको 3 जन्म बता देते हैं पहले, कौन कौन से, एक तो ये हो गया सुतपा और प्रश्न, उस टाइम भगवान प्रश्न गर्भ के रूप में प्रेजेंट होते हैं उनके सामने। फिर सेकेंड बर्थ बताते हैं भगवान, कश्यप और अदिति, कि सेकेंड टाइम तुम कश्यप वो थे और अदिति तुम उनकी वाइफ थी, तब मैंने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया, और अब ये तीसरा मेरा जन्म है देवकी और वसुदेव, और मैं कृष्ण के रूप में, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल होगा। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, और किसी को याद है कोई और इसके अलावा, भगवान के बारे में तीसरा आता है मुचुकुंद की मुक्ति, ये भागवतम में आता है जब, तो मुचुकुंद कौन था, तो उसने देवताओं की बहुत हेल्प की थी बचाने के लिए, तो उस टाइम उनको वरदान मिला था कि तुम सो सकते हो, तो उन्होंने कहा कि बहुत थक गया हूँ, तो देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अब आराम कर सकते हो। तो वो पिछले जन्म की बात हो रही है, और भगवान को आज भी याद है कि वो मुचुकुंद वहाँ पे गुफा में सो रहा है, तो ये तीसरा एग्जाम्पल याद कर सकते हो। तो उस टाइम जो है ना क्या हुआ था कि हाँ, भगवान उसको बता रहे हैं, भगवान ने कहा तुम मेरे महान भक्त हो, और तुम्हें अपने अहत की दया का दर्शन कराने के लिए ही मैं इस गुफा में प्रकट हुआ हूँ, पिछले जन्म में तुम मेरे महान भक्त थे और तुमने मेरी अहत की दया के लिए प्रार्थना की थी, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ, तो तीसरा एग्जाम्पल है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, तो ये मेन 3 याद कर सकते हो कि भगवान पिछले करोड़ों जन्म का बता सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है भगवान को कैसे याद आता है और हमें क्यों भूल जाता है, है ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ आता है, हाँ चौथा ये आता है कि जब भीष्म पितामह ने जब तीरों की शैया पे लेटे हुए थे, तो भगवान से पूछा कि मेरा क्या कसूर है, मैं ऐसे क्यों लेटा हूँ, है ना, तरफ क्यों ना हूँ, तो भगवान ने बोला कि तुम्हें पिछले जन्म याद है, तो भीष्म पितामह ने कहा मुझे 100 जन्म याद है, भगवान ने बोला ठीक है 101वां जन्म देखो तुम अपना पिछले, तो भगवान ने उनको 101वां जन्म दिखाया, तो क्या था, तो उस टाइम वो युवराज थे, तो वो जा रहे थे घोड़सवारी कर रहे थे कहीं पर जंगल में, तो घोड़े थे तो उनके हाथ में तीर था, तो एक वृक्ष से कोई
पक्षी था तो वहाँ पे आगे गिरा, तो उन्होंने उठा लिया ऐसे जैसे मैं हूँ, तो उन्होंने उठे पीछे फेंक दिया ऐसे, तो वो कहाँ गिरा, कांटों का एक झाड़ी थी उसके ऊपर जाके गिर गया। और कैसे गिरा, क्योंकि उन्होंने ऐसे गिरा गिराया तो पीठ के बल मतलब बैक साइड, तो गिर गया वहाँ पे और हज़ारों कांटे थे उसके ऊपर। तो फिर वो उसने उस दिन उस समय उसने बहुत कोशिश की निकलना, अब जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर उल्टा गिराऊँ तो कोशिश करूँगा ना उठने की, तो उठने की कोशिश कर रहा था, तो जितना कोशिश करता उठने की उतना नीचे गिर जाता था, उतने ज़्यादा चुभते थे उसको तीर। तो उस दिन उसने वो 18 दिन तक वहाँ पर रहा था, 18 दिन उसकी डेथ होगी। तो सेम चीज़ भीष्म पितामह के साथ हुई, तो 18 दिन उनकी डेथ हो गई थी। तो देख लो ये फर्क है हनुमान भाव में, हमें सिर्फ इस जन्म का भी याद नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले संडे क्या प्रसाद था, याद है किसी को? क्या था, खाया तो था ना सबने, क्या था? करी चावल था, करी चावल था, ठीक है, करी चावल था, ठीक है। उससे पिछले संडे जैसे उससे पिछले संडे चले जाओ, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो कि लेक्चर किसका था पिछले संडे, किसका लेक्चर था, क्या था लेक्चर? नहीं है ना याद, तो ये हमारी हालत है। इंद्रिय कंट्रोल पे था, भगवत गीता चैप्टर। उससे भी सेशन ले, किसका लेक्चर था? नैन विराम। क्या लेक्चर क्या था? भगवान और भक्तों के बारे में जो कहानी स्टोरी थी कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो मतलब इतने सारे को हाल मिला हुआ है और कितने के लोगों को याद है, तो ये हमारी हालत है। तो मैं एक लेक्चर पर सुनना था, गुरु का लेक्चर सुनना था, तो वो बता दें कलयुग के जीवों की मत्ति इतनी, स्मरण शक्ति इतनी ख़त्म होती जा रही है कि एक बार मैं कहीं लेक्चर दे रहा था, तो सेम लेक्चर मैंने 2 महीने पहले दिया हुआ था, सेम वर्डिंग सेम लेक्चर क्योंकि लिखा हुआ था जैसे मैं लिख लेता हूँ। तो उस दिन लोगों ने बहुत तारीफ़ की, 2 महीने भी नहीं कहते, महीना हुआ था सिर्फ, 4th मतलब संडे था उस लेक्चर के बाद, तो लोगों ने बहुत तारीफ की, वाह 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 बहुत अच्छा लेक्चर था। तो मुझे हैरान कहते हैं, मैं तो 4 हफ्ते पहले ये सेम लेक्चर था, तो वर्ड टू वर्ड सेम बोला है। तो मैंने उनसे पूछा क्या तुम्हें आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा, कहते हाँ, कहते सुना मैं पहले कभी, कहते नहीं पहली बार सुनने ऐसे लेक्चर, तो देख लो, तो कहते सेम वर्ड टू वर्ड बोला है मैंने, सेम एग्जाम्पल दिए हैं, सेम एक्सप्रेशन दिया है, लोग याद ही नहीं। तो ये डिफरेंस है सामने भगवान और हम में, ये डिफरेंस है। फिर दूसरा क्या बता रहे हैं भगवान, वर्तमान कि प्रेजेंट, जैसे आज है प्रेजेंट, वर्तमान के बारे में है ना। तो कहने का तो यह है कि जो मैं प्रेजेंट पास की बात कर रहा था कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, जैसे हम किसी को देखते हैं किसी के साथ अच्छा हो रहा है किसी के साथ बुरा हो रहा है, हमें तरस आ जाता है ना, कोई मान लो बहुत बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है, डेथ बेड पर, उसकी डेथ नहीं हो रही, हम भगवान को प्रे करते हैं कि प्लीज़ इसको उठा लो है ना, पर उसकी डेथ नहीं हो रही, हम सोचते पता नहीं ऐसा क्या किया होगा इसने, इसका क्या कसूर है कि इसने ऐसा, इसको सज़ा मिल रही है इतनी है ना। तो हम भगवान पे इतना से क्या कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, हमें नहीं पता, भगवान को पता है सब कुछ है ना। इस टाइम अगर हम कैमरे में बैठे हैं प्रेजेंट, एट प्रेजेंट अगर देखें तो भगवान को पता है कि किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ना। भगवान को ईच एंड एवरीथिंग इज़ नोटिस्ड बाय कृष्णा, हर चीज़ भगवान को नोटिस हो रही है, तो इसलिए हम भगवान को चीट नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई आज जैसे प्रसाद की बारी है, बात हो रही है, हो सकता है कोई आज सोच रहा होगा आज पता नहीं क्या प्रसाद होगा, ये भी हो सकता है, तो उसका लेक्चर से माइंड डाइवर्ट हो गया, वो भूल गया कि भगवान भी है सामने है ना। तो ये है, या किसी ने कहीं जाना है मान लो बहुत ज़रूरी काम, तो बाबा घर ही देखी जाएगा है ना, टाइम देखी जाएगा मोबाइल पर, मैंने जाना है मैंने जाना है, उसका ध्यान वहाँ पे है, मन वहाँ पे है। तो सो कृष्णा इज़ नोटिसिंग एवरीथिंग, भगवान हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि भगवान नोटिस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि भगवान को कैसे पता है,
लग तो ऐसे रहा कि ये सामने खड़े ही हैं, बस हमें इसके महसूस होता है हम जब प्रणाम करते हैं हमें क्या वाक्य में रियलिटी लगती है कि हैं भगवान ये, नहीं लगता चाहे मैं भी हूँ, है ना। बस आए वहाँ से उधर से झुका दिया, यहाँ से झुका दिया, देखा भी नहीं, हमें यही पता नहीं होता भगवान ने। अगर मैं कल पूछूंगा फॉर एग्जांपल कि आज भगवान ने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, तो कल याद नहीं होगा किसी को, हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता। तो जो प्रभुपाद हैं और जो भगवान के भक्त हैं उनमें हम में यही डिफरेंस है कि वो साक्षात भगवान के रूप में देखते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जब सिद्धि में थे ऑस्ट्रेलिया, तो वो मंदिर अभी स्थापना हुई थी, डेटी वर्शिप हुई, डेटी मतलब स्थापना हो गई थी, तो उनको बाई चांस ना इंडिया आना था, कोई काम पर गया था। तो जब प्रभुपाद भगवान को प्रणाम कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे मंदिर से, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो कुछ लोगों ने पूछा, प्रभुपाद भी क्या है, आपको तो खुशी होनी चाहिए, आज मंदिर बन गया है, भगवान के अल्टर स्थापना हो गई है, अर्चा वगैरह आ गए हैं, आप रो रहे हो। भगवान कहते कि मुझे ये डर है, दुख हो रहा है कि मैं इन मलेच्छों के हाथ में छोड़ के जा रहा हूँ भगवान को। इनको भी मैंने ट्रेनिंग भी दी है, नहीं दी, उनको ये भी नहीं पता कि भगवान का श्रृंगार कैसे करते हैं, भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है, भगवान को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। इतनी सिंकिंग हाई थी प्रभुपाद की, हम सोचते हैं कभी ऐसे हैं। देखो ये होता है, हम में और प्रभुपाद में यही फ़र्क है। तो वो साक्षात देखते थे भगवान को, तो वो साक्षात भगवान ही हैं। तो मैं कहता कि वर्तमान, तो भगवान वर्तमान के बारे में सब कुछ जानते हैं, एट प्रेजेंट जो भी चल रहा है। तो अब जानते कैसे हैं, क्वेश्चन ये रह जाता है। तो इसके बहुत सारे भगवान खुद ही बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भगवद गीता में, जैसे कि सर्वस्य चाम हृदय संविष्टो, भगवान कह रहे हैं कि इसमें सभी जीवों के हृदय में हूँ। और भगवान कहते हैं सर्वस्य चाम हृदय संविष्टो, सभी जीवों के, भगवान ने ये नहीं बोला कि सब मनुष्य के शरीर में हूँ, कुत्ते के शरीर में हूँ नहीं हूँ, मतलब बिल्ली के शरीर में नहीं हूँ तो उसके शरीर में भी है भगवान, चूहे के शरीर में, एक छोटी सी चींटी है उसके शरीर में भी है भगवान, है ना, इस तरह। और भगवान और बता रहे हैं, अब जैसे कई बार हमारे मन में डाउट आ जाता है कि हमारा जन्म यहाँ पे क्यों हुआ, मतलब मान लो मेरा जन्म गरीब फैमिली में हुआ है तो मेरा जन्म यहाँ पे क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था, है ना। या फिर कोई बच्चा पैदा होता ही मान लो बीमार है, बीमारी लग गया उसको, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया, ठीक है, मान लो हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, तो इस तरह कोई प्रॉब्लम्स है मतलब, तो हम सोचते पता नहीं क्या है इसको, तो भगवान उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। कैसे, भगवान 18.61 में इसका आंसर दे रहे हैं, ईश्वर हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं हे अर्जुन ईश्वर सभी जीवों के हृदय में प्रेजेंट है। उससे ये एक दो आंसर भी मिल रहे हैं हमें, पहले भी भगवान ने यही बोला सर्वस्य चाम हृदय संविष्टो, कि हृदय में रहते हैं भगवान, यहाँ भी सेम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ईश्वर हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। हमें महसूस नहीं होता, हमें लग रहा है कोई कि हमारे अंदर है भगवान, किसी को महसूस हो रहा है कि अंदर है कोई, पर हैं भगवान, है ना। तो ये आंसर मिल गया हृदय। अब हमें महसूस नहीं हो रहा अभी तक, है ना, हमें रियलाइज़ नहीं होता, सब सुनते हैं, पर प्रभुपाद एक बार बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, तो उनके शायद ऑपरेशन होना था, तो प्रभुपाद ने मना कर दिया, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। डिसाइपल ने पूछा क्यों प्रभुपाद, मर जाओगे आप, दिल की बीमारी आपको, कहते नहीं, वो मेरे ख्याल फ़ौरन में थे उस टाइम, वो कहते इन मलेच्छों को मैं अपने हृदय को नहीं छोड़ा दूंगा, ठीक है, मेरे भगवान बैठे हैं। देखो कितनी हाई थिंकिंग है, हम सब सुनते हैं रियलाइज़ नहीं करते, पर जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जो प्रभुपाद हैं, वो वाकई देखते थे, सिर्फ बुक्स लिखनी थी, उन्हें रियलाइज़ किया ये चीज़ है। इसी प्रकार भागवत में आता है कि जब अजामिल को लेके जा रहे होते हैं, है ना, तो उनकी बहस होती है ना आपस में विष्णु दूतों की और यमदूतों की, तो वो वहाँ पे यमदूत बताते हैं, हाँ वहाँ पे भी सेम चीज़ आती है, तो बताते हैं कि कोई भी इंसान नहीं, मतलब कोई भी जीव कोई भी कर्म कर रहा है उसके साक्षी क्या होते हैं, 12 चीज़ें होती हैं,
चारों दिशाएं बताते हैं, सूर्य बताते हैं, चंद्रमा बताते हैं, इस तरह मेरे को याद नहीं है, चार दिशाएं ऐसे टोटल बताते हैं, 12 चीज़ें बताते हैं। तो इसका मतलब हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा। इवन आप अंधेरे में भी हो, हम कहते हैं ना कोई काम गलत काम पर जहाँ अंधेरे में ही होते हैं, चोरी डकैती मर्डर किसी का अंधेरे में होते हैं, तो क्या सोचता है हर व्यक्ति, कोई मुझे देखने वाला, तो भगवान देख रहे हैं उसको, है ना। और भगवान खुद कह रहे हैं इसमें गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं साक्षी हूँ, हर चीज़ मैं जानता हूँ, ये बस सोचो कि मुझसे कोई चीज़ छिपा रही। तो ये बात, ये फ़र्क है हम में और भगवान में। और भगवान सिर्फ मेरे बारे में नहीं जानते, करोड़ों लोग, करोड़ों जीव भगवान सबके बारे में जानते हैं, इस मंदिर में जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। अगर मतलब मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में ही जान सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल भगवान सबके बारे में जानते हैं, ये फ़र्क है। तभी उन्होंने क्या बोला था, सर्वज्ञ सम्राट भगवान स्वतंत्र है, सम्राट है। और तीसरा भगवान बता रहे हैं कि भविष्यवाणी, भविष्य के बारे में। तो भगवान हमारा भविष्य भी जानते हैं, सो नॉट ओनली पास्ट या प्रेजेंट, ही आल्सो नोज फ्यूचर, हमारा फ्यूचर भी जानते हैं। तो मैंने बोला था ना पास्ट के बारे में हमारे पास क्या आ जाता है, पास्ट के बारे में सोच के हमें क्या आ जाता है, शोक। प्रेजेंट के बारे में सोच के मोह, फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन, है ना। भविष्य में हम सोच के चिंतित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया और फॉरन में तो पता नहीं, इंडिया में ट्रेंडी है, है ना। कैसे ट्रेंड है, मान लो कि मान लो आप मीडियम फैमिली को, फॉर एग्जांपल, है ना, तो आप एक बेटी पैदा हुई है फॉर एग्जांपल, तो पहले दिन से ही बेबी अभी संसार में आया ही है, रिश्तेदार फ्रेंड्स दिमाग खाने शुरू हो जाते हैं कि इसका क्या करा दो, बीमा करा दो। आज से 20 साल जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, 20 साल को पता ही लगे कैसे बीत गए, है ना। इससे सरकार ने वो भी चलाई हुई है पोस्ट ऑफिस में, सुकन्या समृद्धि है कोई ऐसी योजना होती है, है ना। तो हमें पैदा होते ही टेंशन हो जाती है उसकी, फ्यूचर के बारे में सोच के, हमें नहीं पता कोई 20 साल जिएगी भी सही कि नहीं जिएगी, है ना, या हम होंगे कि नहीं होंगे, या हम मान लो चले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर हमें फ्यूचर में सोच के टेंशन हो जाती है। तो भगवान हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, जानते हैं। हम सब इस जन्म का प्लान करते हैं, भगवान ने करोड़ों जन्म का प्लान पहले ही कर रखा है, है ना। भगवान ये भी बता सकते हैं इस टाइम कोई व्यक्ति इस कन्वे बैठा हुआ क्या करेगा, भगवान को यही पता है। अब जैसे 8:45 होने वाले हैं, मतलब 2 मिनट बाद, भगवान को ये पता है कि 2 मिनट बाद ये व्यक्ति उठ के बाहर भी चला जाएगा, है ना, या वो हो सकता है लेटने की कोशिश करें, या हो सकता है हाथ उठाने की कोशिश करें, हर चीज़ भगवान को पता है। अभी हमने सोचा भी नहीं है कुछ, वहाँ को पहले ही पता कि ये क्या सोचने वाला है आगे, ये है भगवान। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि, तो यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया था कि भगवान को बताने क्या जो होता है, क्योंकि यहाँ पीछे भगवान ने क्या बताया था कि मैं अपने आप को योग माया से ढक लेता हूँ, है ना। तो वहाँ पे क्वेश्चन आया होता है कि क्या भगवान भी माया से प्रभावित होते हैं हमारी तरह, तो भगवान इसका आंसर दें नहीं। जहाँ भगवान डाउट क्लियर कर रहे हैं कि तुम लोग माया में हो, मैं माया में नहीं हूँ, है ना। जैसे कि इसका प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, जैसे सूर्य होता है ना, तो सूर्य होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअली क्या है कि भगवान का जो शरीर है ना, हमारी तरह लग रहा है पर है नहीं हमारी तरह, ये हमारी तरह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इन चीज़ों से नहीं बना हुआ, 8 तत्वों से। भगवान का शरीर क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान ऊपर से भी अवतार, इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है, जन्म नहीं बोला जाता, अवतरित, भगवान अवतार लेते हैं ऊपर से, अवतार मतलब एज इट इज, जैसे ऊपर है गोलोक धाम में वैसे ही नीचे आते हैं। हमारी तरह भगवान खुद ही कह रहे हैं ना, मैं कर्माने लिम्बंती, मैं कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता, है ना। और जो रजोगुण है सत्वगुण है तमोगुण है, ये क्या है, ये इस भौतिक संसार के गुण हैं, माया के गुण हैं, हमें प्रभावित करते हैं, भगवान को नहीं प्रभावित कर सकते, क्यों, इसका आंसर खुद दे रहे हैं भगवान। तो हमें मतलब कि ये कि ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए,
जैसे कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ तो कोई पूछे तो जाके बता दो, ऐसे नहीं। हमारे पास लॉजिक्स होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, और प्रूफ कोई बाहर के बंदे से नहीं लेने, हमने शास्त्रों से ही लेने हैं, है ना। शास्त्र खुद क्या है, भगवान की वाणी है, सब ये लिखे गए हैं, बोले भगवान ने, तभी तो हमारी गीता का नाम क्या है, एज इट इज़। भगवान जो बोली थी मैंने एज इट इज़ है, कोई बात खुद बोल रहे हैं इसमें कि मैंने कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं किया इसमें, है ना। तो एज इट इज़ है। तो मैं ये कह रहा कि हाँ, कि भगवान का जो जन्म नहीं होता असल में, भगवान का अवतरण होता है, अवतार लेते हैं भगवान, और अपनी मर्जी से लेते हैं। हमारे तो जन्म है ना, हमें तो कर्मों का भुगतान करने के लिए आना पड़ा है यहाँ पे, कब भगवान को कर्मों का भुगतान नहीं करना होता। और हमें जन्म कैसे मिले, पिछले जन्मों में जब हमने कर्म किए होंगे उसके हिसाब से मिले, भगवान को कोई वो नहीं। हम तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था सूर्य का, तो वो बात इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सूर्य जिस प्रकार, जैसे अब यहाँ पे क्या है, अब होने नो है इंडिया है, तो यहाँ पे रात है, तो हमारी दृष्टि से सूर्य उज्जवल हो गया है, पर अमेरिका या कनाडा जाओ तो इस टाइम दिन होगा, तो वहाँ क्या और सूर्य है, सेम सूर्य है। फिर ये कैसे हो गया, यहाँ पे रात है वहाँ पे दिन है, वहाँ पे रात हो जाएगी यहाँ पे दिन हो जाएगा, तो इसका मतलब सूर्य एक ही है। सब क्या है, हमारी दृष्टि से उज्जवल हो गया। हम देखते हैं कि सूर्य उदय कहाँ से होता है, सनराइज इन द ईस्ट, और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में। हम सोचते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और हमारी सोच है सिर्फ, सूर्य शुरू से है और हमेशा ही रहेगा, है ना। इस तरह भगवान सृष्टि काल से पहले के हैं, है ना, सृष्टि भी भगवान, सृष्टि से ही पहले के भगवान है। तभी वो कह रहे हैं अपना कुंती महारानी भागवतम के उसमें आ रहा है, जब कुंती स्तुति आती है, कुंती की प्रार्थनाएं आती हैं, तो नमस्य पुरुषम ताद्यम, तो उसमें बोले आद्यम मतलब आप आदि हैं, सबसे पहले आप हैं, प्रकृति तो नमस्य पुरुषम ताद्यम ईश्वर प्रकृतम, ईश्वर प्रकृति हम आप क्या हैं, ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिज अवस्थितम, भगवान वो बता रहे हैं कुंती भगवान कि आप क्या अलक्ष्य, आप दिखते नहीं हैं किसी को भी, कहाँ आप अंतर बहिज अवस्थितम, आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं, है ना। और उसका एग्जांपल दे रही हैं, फिर वो खुद ही बताती हैं वहाँ पे, वो क्या कहते हैं कि भगवान जब ये युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध, तो उत्तर के गर्भ में भगवान से अंगूठे के गर्भ में चले गए थे उसको बचाने के लिए परीक्षित महाराज को, और भगवान को देखते हैं वो बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, अंतर बहिर अवस्थितम, है ना। इसे भगवान हर टाइम है, एवरी टाइम। तो इसीलिए ये फर्क है हमारे और भगवान में, ठीक है। इसलिए मैं कभी नहीं सोचना कि भगवान भी हमारी तरह माया से प्रभावित होते हैं, क्योंकि भगवान का पहली बात तो जन्म नहीं होता, अज, इसलिए भगवान को बोला जाता है अज, अविनाशी, अव्यम। भगवान बहुत बार बार यूज़ कर रहे हैं वाला कि मैं क्या हूँ, अजय मतलब अजन्मा हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी आती है, भगवान खुद ही बता रहे हैं पहले 4.9 श्लोक में, जन्म कर्म चा मैं देवम एवं ज्योति एवं ज्योति तत्व, है ना। वहाँ कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म तब क्या है, दिव्य है। उदय भगवान जन्म यूज़ कर रहे हैं वर्ड, और आगे आके इसी चैप्टर में भगवान बता रहे हैं अजो अव्यम, है ना, अजो अव्यम, मैं अव्य हूँ, अविनाशी हूँ। तो ये हमसे पजल हो जाते हैं, भगवान कोई कन्फ्यूज नहीं होते, है ना। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि हम में और इस भगवान में ये डिफरेंस है, कि हमेशा इस जन्म का भी, इस जन्म का भी अगर आप देखो ना, 5 टाइम ज़्यादा टाइम याद नहीं होगा आपको, आपको स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स भी याद नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारे स्कूल लाइफ में हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, पर आज हम उनको जानते भी नहीं हैं, याद ही नहीं होता हमें, है ना। तो ये है भगवान, और भगवान हमें करोड़ों जन्मों का, तभी देखो जब हम जब आते हैं। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, अज अभिम, कि भगवान का जन्म वो नहीं होता, अज मतलब अजन्मा होते हैं, और अभी मतलब नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। कैसे कि जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध, और आप देख लो किसी भी पूरे वर्ल्ड में चले जाओ कहीं भी, भगवान की पिक्चर हमेशा ऐसे ही होगी यंग एज में, है ना। जबकि हम तो कह रहे हैं सृष्टि से पहले के हैं, भगवान को बहुत बुरे हो जाने चाहिए, बहुत बुरे बीमार हो जाने चाहिए, है ना, बीमारियां लग जानी चाहिए, होता है कभी, हमने बुढ़ापे कभी पिक्चर ही नहीं देखी भगवान की,
और जो जब युद्ध हुआ था तो वहाँ के उस टाइम पोते पर पोते थे उस टाइम, और वहाँ लगते क्या उसे 20-22 साल के एग्जाम पर लगते। तो इससे पता लग रहा है कि भगवान का जो शरीर है हमारी तरह नहीं है, दिव्य है। इसलिए वहाँ पर बताने अज अव्ययम कि विनाश नहीं होता। हमारे टाइम हमारे साथ हम देख ही रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं इस लाइफ में धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर डाउन होना शुरू हो जाएगा और डेथ भी हो जाएगी, फिर अगला जन्म मिल जाएगा, है ना। तो भगवान के साथ ये नहीं होता। तो इसीलिए भगवान को हमारे पिछले सारे जन्म याद है ना। और भगवान इसका फिर और प्रूफ दे रहे हैं 15 चैप्टर में यही कह रहे हैं भगवान, मम्मे वंशे जीव लोग के जीव भू सनातना। भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जीव मेरे अंश है। और वहाँ भी भगवान माने जीव सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहे, सारे जितने भी जीव हैं संसार में सब भगवान के अंश हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक ये राइज होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि भगवान को ये पता है कि अब से 2 मिनट बाद मैं हाथ उठाऊँगा या करवट लूँगा या बाहर जाऊँगा, भगवान को ऐसे पता है ये चीज़। मैं मानता हूँ कि हम भगवान हमारे हृदय में हैं परमात्मा के रूप में, है ना, सब कुछ जानते हैं हमारे, पर भगवान कैसे पता है ये, इसको कैसे चेक करेंगे भगवान, है कोई आंसर? वो तो पता था, कैसे पता है ये तो पूछ रहा हूँ। वो तो है, प्रेजेंट फ्यूचर कैसे पता है, अभी का कैसे पता है, अभी आप उठ के बाहर चले जाओगे। देखो देखो पहले के बारे में भगवान जानते हैं भाई, ये कैसा पर्सन रहा इतने करोड़ों जन्मों से, तो वो आगे का प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यही आंसर है। और भगवान की प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होती है। जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, जैसे एक लड़की है यार, ठीक है, तो जैसे मान लो किसी घर गए हो, ठीक, कोई छोटा बच्चा है वो खेल रहा है, भाग जा रहा है, इधर उधर भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, आप उसको उसके पेंस को कहते हो भाई पकड़ के बिठा दो, इसको सुला दो जाके अंदर, है ना। तो पेंस क्या कहते हैं, मम्मी क्या बोलती है उसकी, हाँ भाई ये ऐसे ही करेगी, मेरे को पता है, जब थक जाएगी थक के जाके सो जाएगी, भूख लगेगी खाना खाएगी जाके सो जाएगी। अब उसको मम्मी को कैसे पता है, क्योंकि 24 घंटे उसमें घुसी हुई है, हमें नहीं पता ना, इवन पापा को भी पता नहीं होगा, मम्मी 24 घंटे उसके साथ रहती है। तो मम्मी को पता है कि ये कहते हैं ना मम्मी ये ऐसे ही करेगा, मेरे को पता है, शरारती है ये, थक टूट के खा पी के जाके सो जाएगा अपना, जो इसको नींद आएगी, होता है। तो सेम चीज है, तो योगेश मैंने बिल्कुल सही बोला कि भगवान हमें करोड़ों जन्म से जानते हैं, उनको पता है ये ऐसे ही करेगा, इस तरह भगवान हमें भविष्य का हमें जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मान लो कि अब हम में क्या फर्क है, हम में है कि माया से घिरे हुए हैं, माया का क्या काम है, क्या काम है माया का, भ्रम पैदा करना। तो माया की दो शक्तियाँ होती हैं, एक होती है आवनात्मा शक्ति, आवनात्मक शक्ति, दूसरी होती है प्रक्षेपात्मा शक्ति। तो जो पहली है आवरण आत्मगान शक्ति, आवरण मतलब होता है ढक देना, तो माया जो है ढक देती है, ठीक है, कैसे ढक देती है, क्या कपड़ा डाल देगी हमारे मुंह पे, नहीं, भगवान हमारी बुद्धि को, माया हमारी बुद्धि को ढक देती है ना, हमें जैसे कि योगेश भाई ने बोला भ्रम में डाल देगी, कंफ्यूज कर देगी आपको, ठीक है। और प्रत्येक जीव के प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, फिर हमें उस हिसाब से शरीर मिलता रहता है, क्योंकि माया में ढक देती है, शरीर में ढक देती है, मतलब मेन चीज़ है कि शरीर में ढक देती है। तो आप अपने आप को ये शरीर सुनने लग जाते हैं, हमने हज़ारों लेक्चर सुन लिए प्रभुपाद के, दिन रात लेक्चर सुने जाओ, हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, हम शरीर रियलाइज हुआ है, मैं अभी तक हुआ किसी को रियलाइज, तो क्या है ये माया ही है। कुत्ते को कुत्ते के शरीर में डाला हुआ है, उसको कुत्ता बना दिया,
ठीक है, वो ऐसे कही जाएगा, भोंकी जाएगा, सुअर को सुअर के शरीर में डाल दिया, ये है आवरण आत्मा शक्ति। ठीक है, तो आपको वो कन्फ्यूज कर देती है। इस प्रकार हम प्रकृति के तीन गुणों में बंध जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। मेन काम यही करती है आपको कि इस शरीर में बंध करके आपको भुला देती है कि आप भगवान के सेवक हैं, भगवान भी हैं कोई। दूसरी होती है प्रेक्षात्मक शक्ति, ये हमें आसक्ति पैदा करती है और हम अपने शरीर से चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं। तो इस तरह माया ये काम करती है, पर भगवान पे ये माया कंट्रोल माया नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, इस कॉन्सेप्ट में बताया ना, भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ये जो तीनों गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये मेरे से ही पैदा हुआ है, मैं ही पैदा करता हूँ, पर मैं इनसे प्रभावित नहीं होता। तो ये फर्क है हम में और माया, हम में और भगवान में। अब सुनाएगा, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि तीन चीज़ें बताई, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पास्ट हम सिर्फ इस जन्म के भी याद नहीं कर सकते, भगवान हमें पिछले जन्म करोड़ों जन्मों का चिट्ठा खोल के दिखा देंगे आपको, लोग ये है। और प्रेजेंट मतलब आज का, फ्यूचर मतलब भविष्य के बारे में। तो इस तरह भगवान कैसे जानते हैं हमें बारे, क्योंकि हम उनके अंश हैं, और भगवान जानते हैं करोड़ों जन्म से हमें जानते हैं, इसलिए हमको पता है कि ऐसे ही करेगा। अब क्वेश्चन ये फिर आगे अराइज होता है कि क्या हम एक तरह से क्या कठपुतली है भगवान के हाथ की, फिर हमारे कोई फायदा ही ना होगा हमें। फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, चाहे भगवान भविष्य बने जानते हैं, पर फिर भी भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, तो जैसे मैं हूँ ना, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो हमने सभी बच्चों को सेम पढ़ाया, मान लो 20 बच्चे हैं, सबको सेम टीचिंग दी है, बोर्ड पे लिखा है, सेम वर्ड बोले हैं, सबको सेम समझाया। ठीक है, किसी को दूसरी बार में समझाया, किसी को तीसरी बार में समझाया, किसी को चौथी बार में समझाया, किसी को पाँचवीं बार, किसी को समझ ही नहीं आया। ठीक है, फिर मैं क्या बोलता हूँ, अब हमने अपने उससे पूरी कोशिश कर ली, अब हम कहते हैं यार तेरी मर्जी आगे। तो इस समय भगवान है, भगवान हमें फोर्स नहीं करते, स्वतंत्र इच्छा दिया है भगवान ने हमें, हमें रोबोट की तरह यूज़ नहीं कर रहे भगवान, मशीन की तरह। तो भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है। अब आठवीं टाइम होता है, फॉर एग्जांपल भगवान ने आपको इच्छा दी है, सॉरी भगवान की आपको आपने फ्री विल दिया है, आप मंदिर जाओ, पार्टी में चले जाओ, आपकी मर्जी है ना। तो वहाँ पे फिर दो चीज़ें आती हैं, इच्छा के पीछे फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, मतलब हमने डिसीजन लेना है कि मंदिर में आना है कि मैंने पार्टी में जाना है। तो हमने डिसीजन लेना है ना, तो वहाँ पे फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तरफ है डिसीजन लेना अपने, एक तरफ है मन और दूसरी तरफ है बुद्धि। तो जो मन है ना, मन हमेशा खुशी ढूंढता रहेगा, प्लेजर। ठीक है, मन आपको क्या कहेगा, यार हर संडे जाते हो मंदिर, वहाँ तो वही कड़ी चावल मिलने हैं, राजमा चावल मिलने हैं, यही मिलना है, वही लक्चर सुनना है, वो क्या करना है। एक संडे नहीं जाओगे तो क्या होगा, बुद्धि कहेगी नहीं, सॉरी मन कहेगा, ये कहेगा, तो मन कहेगा आज पार्टी में चलते हैं, फिर क्या, सारे रिश्तेदार आए होंगे, अगर नहीं जाओगे तो देखो सारे रिश्तेदार पूछेंगे, हर बंदे को जवाब देना पड़ेगा। मान लो मैं हूँ तो मेरी फैमिली जा रही है, तो मेरे को क्या कहेंगे, है ना। तो मन वो कहीं ना कहीं आपका मन बोलेगा, ये चीज़ आपके घर ले जा रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो मन ये सोचेगा, बुद्धि कहते हैं नहीं अपने मंदिर में आना है, वहाँ कोई चक्कर नहीं, आप नहीं जाओगे क्या फर्क पड़ता है, शगन भिजवा दो, पर यहाँ पे नहीं आओगे तो आपका एक इम्पोर्टेंट दिन मिक्स हो गया, मिस हो गया। अगला संडे किसने देखा है, क्या आप तो ना हो इस संडे, अगले संडे हम इस संसार में, है ना, चांस ही ना मिले, तो बुद्धि ये बोलेगी। पर जब हम अपने मन की सुनते हैं, बात मान लेते हैं, कोई मन कहता है ना कोई, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, फिर बुद्धि कहते हैं हाँ ठीक है ये सही कह रहा है, कोई फ़र्क थोड़ी पता है, ना जाओ वहाँ चले जाते हैं, अब हम पार्टी भी फिर क्या, अब मंदिर भी नहीं जाएंगे, कौन सा फ़र्क पड़ेगा। मान लो मैं हूँ, ये तो आज मैं लेक्चर है, अगर मैं लेक्चर ना होता तो बुद्धि कहती है तुम नहीं जाओगे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, फिर क्या तुम भी ना जाओगे, तो बुद्धि भी मन के साथ चली जाती है। तो अब वो जो है वो भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है, वो हमने सोचना है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो इस तरह भगवान इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि वो रोबोट की तरह यूज़ नहीं करते हैं, मशीन की तरह यूज़ नहीं करते।
अब लास्ट कर रहे हैं कि वैसे बहुत कुछ बताने पर टाइम खत्म हो गया। हाँ, इसका एग्जांपल ले सकते हो कि स्वतंत्र इच्छा कैसी है। अब हमें पिछले जन्मों के साथ से ये शरीर तो मिल गया है ना, अब हमने इसको बिताना है, जीवन बिताना है। सिंपल एग्जांपल है इसका, मान लो लूडो खेल रहे हो, लूडो खेलोगी सबने बचपन में, डाइस होता है, चार गीटियाँ आपके पास, डाइस फेंकना आपके हाथ में, आपने फेंक दिया, और जो नंबर आना है क्या वो आपके हाथ में है? नहीं। तो ये था आपका दैव नेत्रेण, आपको पिछले जन्म के हिसाब से मिल गया। अब मान लो नंबर आ गया चार, अब आपने दिमाग यूज़ करना है कि मैंने चारों में से कौन सी गीटी चलानी है। अब जो चारों में से गीटी चलाओगे उस हिसाब से आपकी विनिंग, या आप तो या विनर हो जाओगे या लूजर हो जाओगे। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है सीखने के लिए। अब आपने देखना है, मतलब जो हम प्रेस जो आज हम डिसीजन लेंगे उसके बेस पे हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। फिर तभी कहते हैं ना, फ्यूचर बेस्ड ऑन प्रेजेंट है ना। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हो ताश, प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेल रहे हो है ना। ताश में 52 कार्ड्स होते हैं ना, 52 पत्ते, तो रमनी होती है, पता नहीं कौन सी होती है, चार बंदे या जितने भी हैं वो बांटते हैं ऐसे। तो क्या कहते हैं, बांट के क्या कहते हैं, उल्टा रख देना, ठीक है। अब जो आपके किस्मत पत्ते आ गए वो है आपकी किस्मत, और जब आपने पत्ते सीधे किए अब आपने दिमाग यूज़ करना कि खेलना कैसे है। तो ये सेम चीज़ हमारी लाइफ के साथ है। अब हमें इस जन्म में मिल गया ये जन्म, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से देव नेत्रेण, भगवान के नेत्रों के पास है, प्रकृति के साथ हमें दे दिया गया। अब गेम हमारे हाथ में है कि हमने कैसे चलना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, पार्टी पे जाओ या मंदिर आ जाओ। अब 5 मिनट कर लें 5 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। बस वैसे बहुत कुछ, मैं लास्ट ख़त्म कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारे पास ना शास्त्रों के अनुसार हमें दो बातें याद रखनी चाहिए और दो बातें भूल जानी चाहिए। ये शास्त्र बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। क्या बता रहे हैं, पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना चाहिए, दूसरों ने हमारे ऊपर क्या परोपकार किया है, क्या भला किया है, हमें क्या सहायता किया है, ये हमेशा याद रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ याद रखनी चाहिए, हमारे कारण दूसरे जीवों को क्या कष्ट मिला है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। और दो बातें हमेशा भूल जाए, जिसका उल्टा, क्या हमने दूसरों की क्या हेल्प की है। जैसे कहते हैं ना, दान अगर इस सांस से दे तो इस सांस को पता ही नहीं होना चाहिए कि क्या दान दिया। और दूसरा क्या भूल जाना चाहिए, दूसरे जीवों ने हमें कितना कष्ट दिया, ये भूल जाना चाहिए। पर हमारे साथ होता है उल्टा, होता है 100 रुपये देंगे ना पर्ची कटवाएंगे, ये नहीं है गुप्त दान में डाल देना, या यहाँ पे चलो मान लो यहाँ डोनेशन बोलते डाल के जाओ, किसी को पता तो ये डोनेशन दिया आपने है ना, तो पर्ची कटवाएंगे। तो ये है, तो इस तरह हमें भविष्य के बारे में सोच कर टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमने अगर भगवान की शरण ली है तो सोचना चाहिए कि भगवान हमारे वेलविशर हैं, वो हमारा कभी अहित सोच ही नहीं सकते। जिस प्रकार इसका एग्जांपल देता है, जैसे एक बच्चा होता है, जब तक बच्चा मान लो सड़क है, मान लो दिल्ली है, दिल्ली रोड पे जा रहे हो है ना, तो जो ट्रैफिक है मान लो बहुत, तो जो बच्चा है उसने पापा का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो हाथ पकड़ा हुआ है तो उसने क्योंकि पापा की उंगली पकड़ी हुई है ना, उसको पता है मेरे पापा साथ हैं, वो इधर देखी जाएगा, पापा ये देखो, पापा वो देखो, पापा डांटेंगे नहीं, सीधा चल ध्यान से देख ट्रैफिक है, तो वो पापा बच्चा निश्चिंत है। जैसे ही उस बच्चे की उंगली छूट गई पापा से, रोने लग जाएगा, होगा डर लग जाएगा उसको, कहाँ गए मेरे पापा। इसी प्रकार का हमने भगवान का हाथ पकड़ लिया या भगवान ने वहाँ हाथ पकड़ लिया सपोज, तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए है ना। तो अब आगे भगवान देखें, जिसके बच्चे होते हैं है ना, बच्चों को जो कोई भी चीज़ जो होती है बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पेरेंट्स को अपना भी पता होता है। पेरेंट्स को टेंशन होती है भी आज अप्रैल का महीना आ गया ना, अब बच्चे को मतलब नई एडमिशन दिलानी है, नई बुक्स लेके देनी है, नई यूनिफॉर्म लेके देनी है, फीस भरनी है स्कूल की, ये है वो है, बच्चों टेंशन होती है, बच्चों टेंशन थोड़ी होती है, और तो खुश होता है कि नया साल शुरू हो गया मेरे लिए। सेम चीज़ हमारे साथ है, जितना हम भगवान पे डिपेंड होंगे
उतना खुश रहेंगे। भगवान को डिपेंड करता है, ये भी मतलब नहीं है कि हम सोए रहें घर पे, काम में ना जाएं, नहीं भगवान देखेंगे। अब ये थोड़ी शास्त्र इसका एग्जांपल देते हैं कि सोए हुए सिंह के शेर के मुंह में अपने आप नहीं आता जानवर, उसको भी प्रयास करना पड़ता है। प्रयास हमें करना पड़ेगा पर कृपा भगवान की होगी। जिस प्रकार का एग्जाम्पल है कि जिस जैसे कि अगर आपने मान लो जज बनना है, तो जज का आपने पेपर दे दिए, सब कुछ कर लिया, एंट्रेंस टेस्ट जो भी है क्लियर कर लिया, और फिर भी आपके हाथ में नहीं है जज बनना। जो ऊपर अथॉरिटी बैठी है वो आपको सर्टिफिकेट देगी, आपको डिग्री देगी, तब जाके आप जज बनोगे। ऐसे ही है, प्रयास हम करेंगे आगे भगवान देखेंगे। शिल्प उपाद की जय। जोगेश गिफ्ट बोली थी, गिफ्ट।